आज मैं खत्री परिवार से हूँ, अगर मैं यीशु को मानता हूँ प्रॉब्लम क्या है? कह रहे हैं आप लोगों की फूट की वजह से ही तो हिंदू राष्ट्र नहीं बन पा रहा है। तो हिंदू राष्ट्र कैसे कहते हैं? हिंदू राष्ट्र किसे कहते हैं आप? हिंदुओं की संख्या जहाँ ज्यादा है, सनातनियों का देश है। मारपीट को कहते हैं हिंदू राष्ट्र? एक को पकड़कर घर से निकालो और उसको मारो, उसको कहते हैं हिंदू राष्ट्र? चार जने धन्यवाद कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उसको कहते हैं हिंदू राष्ट्र? आज इस देश के लिए प्रार्थना करने वाले लोग चाहिए या मारने वाले लोग चाहिए? एक क्रिश्चियन देश के लिए प्रार्थना कर रहा है, एक अदर जन उसको मार रहा है। तो आज जो न्यूज और बहुत सारे लोग जो दिखा रहे हैं वो उसको उल्टा ही दिखा रहे हैं। उसको सिर्फ एक चीज दिखाते हैं बहुत अच्छा करके कि इन्होंने गलत करा, इनकी वापसी करा दी, इन्होंने वो करा, इन्होंने धर्म बदल दिया। अरे भैया, कोई चौहान है, कोई मल्होत्रा है, कोई अरोड़ा है, कोई खत्री है, किसका धर्म बदला है? मैंने तो आज तक नहीं बदला। आप लोग शास्त्र पढ़ नहीं रहे तभी तो धर्म परिवर्तन कर रहे। साथ में आए ना, जिसने पढ़ा शास्त्र में आए, शास्त्रों को पढ़ने वाले शास्त्रार्थ करें। हर एक शास्त्र के ऊपर लिखा है धर्म ग्रंथ। क्या बाइबल पे लिखा है? आपने बाइबल पढ़ी है? उसमें पवित्र शास्त्र लिखा है। वो धर्म बनाने नहीं आया है, वो पवित्र करने आया है। क्योंकि एक परमेश्वर की अगर हम व्याख्या की जाए तो परमेश्वर पवित्र है और वो पवित्र करने आया। आज हम उसको फॉलो करते हैं, आज उसके साथ चल रहे हैं, आज उसको देख रहे हैं, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बागेश्वर धाम देखिए ना, आप भी चमत्कारी बन जाएंगे हिंदू राष्ट्र को बनाने में अगर एकजुट हो जाएंगे तो। एक बागेश्वर धाम अगर हनुमान जी से बात हो जाती है उनकी। देखो, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। एक मसीह व्यक्ति इस देश के लिए प्रार्थना कर रहा है और जब जब इस देश पे मसीहों को सताया गया है वो बड़े हैं, कम नहीं हुए हैं। और ये भी ध्यान रखना कि जो भी हो रहा है, जितना भी हो रहा है और जितना भी आप दिखा रहे हैं या जितना भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, आने वाले समय में जितना सताव बढ़ेगा उतना ज़्यादा बढ़ेंगे, जितना सताव बढ़ेगा उतना फॉलोवर भी बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया, यीशु मसीह की जय।